आगरा में एक वकील का अपहरण हो जाता है। पुलिस के हाथ अब तक सुराग से खाली हैं और इसी में आक्रोशित उस वकील के साथ के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, हंगामा किया। आखिर पुलिस अब तक किसी किस्म के सुराग तक क्यों नहीं पहुंच सकी, आइए समझते हैं। आगरा में 55 लाख की फिरौती, वकील के परिजनों से मांगी गई फिरौती। करीब 5 दिन से लापता है वकील अकरम अंसारी। अपहरणकर्ता की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के गैंग पर वारदात का शक। 55 लाख रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं, लेकिन आगरा में इतनी ही रकम की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ फिरोजाबाद के रहने वाले वकील अकरम अंसारी अपने परिजनों से मिलने के लिए आए हुए थे। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें विदा भी कर दिया, लेकिन करीब 5 दिनों से वो लापता हैं। परिजनों से फोन पर 55 लाख रुपयों की फिरौती मांगी गई। इस फोन के बाद खलबली मच गई। वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने मरीज को देखा, मरीज के बाद अपने साढ़ू साहब से मिलने गए, उनके साथ में उनका फ्लैट देखा। फ्लैट के बाद जो वो उन्होंने कारगिल पेट्रोल पंप पर उन्होंने छोड़ा, उसके बाद से उनके फ़ोन लोकेशन जो है वो बंद नहीं जा रही थी। कुछ पता चल पाया आज? आज तक अभी तक कोई पता नहीं चला। अभी पुलिस द्वारा कोई जानकारी दी नहीं? अभी तक कोई जानकारी नहीं दी पुलिस ने, अभी कोई जानकारी नहीं दी। अभी घर वाले हैरान और परेशान हैं कि वो करें तो क्या करें। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस को जानकारी मिली है कि राजस्थान गैंग द्वारा ये फोन किया गया है। अपहरण करने वालों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। देखिए, थाना क्षेत्र सिकंदरा के अंदर एक मुकदमा भी लिखा गया है, 364A में अपहरण का मुकदमा है और एक व्यक्ति का अपहरण होने की सूचना के भाई द्वारा दी गई थी। एक उनको फिरौती के लिए संभवतः एक कॉल भी आई थी, इसीलिए मुकदमा पंजीकृत तुरंत किया गया था। इसमें कई टीमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और IG महोदय के निर्देशानुसार गठित की गई है। कई टीमें काम कर रही है, सर्विलांस की टीम भी उसमें काम कर रही है। सर, प्रथम दृष्टि फिरौती का कॉल कितने रकम का आया था और जो पैसे से जो अपराध हुआ है वो कौन है? देखिए, रकम कुछ ज़्यादा रकम का आया था, मोटी रकम का फिरौती के लिए कॉल आया था और इसी का संज्ञान लेते हुए सारी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा टीम। आखिरी बार 3 फरवरी को परिजनों से वकील अकरम अंसारी ने बात की थी। इसके बाद वो कहाँ है, किस हाल में है, किसी को नहीं पता। पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जल्द से जल्द तलाश करें, लेकिन इंतजार का हर लम्हा घर वालों पर भारी पड़ता जा रहा है। आगरा से शिव चौहान, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।